हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपको बेंचमार्क कैसे ऑन करना है। तो MSI Afterburner एक वेरी गुड प्लेटफॉर्म है इस टाइप की बेंचमार्क के लिए। तो अगर आपके पास MSI Afterburner है तो वीडियो को देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे जाके। थैंक यू गाइस। Afterburner जो सॉफ्टवेयर उसके साइट का फ़ोन से भी डाउनलोड करके PC में ट्रांसफ़र करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, मैं आपको दिखा रहा था नॉर्मल इंटरफेस कैसा रहता है। सो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा आपके पास, तो अप्लाई कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुला आ जाएगा। तो इस यहाँ पे आपको जाना है सीधा सीधा सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स यहाँ पे आपको इस जगह पे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करना है। और मैं नॉर्मली इसको रखता हूँ एकदम सिंपल वाला जो है, मुझे ये काफ़ी पसंद है, सॉरी ये वाला मुझे काफ़ी पसंद है, इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पे, यहाँ पे सेटिंग्स का इजीली दिख जाता है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है मॉनिटरिंग ऑप्शन पे, यहाँ पे देख सकते हैं मॉनिटरिंग, यहाँ ऊपर ऐसे दो एरोस दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। थोड़ा ओल्ड ग्रेड है, मतलब थोड़ा बैकग्रेड लग रहा है इसको, इंटरफेस थोड़ा बैकग्रेड है, डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है मॉनिटर ऑप्शन पे, ये देखिए सबसे पहले वाला जाता है जनरल फैन, उसके बाद मॉनिटर। यहाँ पे एक आप लोग एक चेक बॉक्स टाइप का देख सकते हो, यहाँ पे GPU टेम्परेचर, GPU यूजेस। तो यहाँ पे जो भी आप टिक करोगे ना, वो आपके बेंचमार्क, जब आप बेंचमार्क करोगे तो बाई तरफ या फिर बीच में जो भी जगह पे आप शो करवाना चाहते हो वहाँ पे ये चीज़ शो करेगा। जब भी अब मैं जो शो करवाओ, मतलब अब मैं जितने भी चीज़ें शो करवाता हूँ मेरे स्क्रीन पे, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। GPU टेम्परेचर है, GPU यूजेस है, मेमोरी यूजेस है और टेम्परेचर लिमिट। अब ज़्यादा चीज़ मैं शो नहीं करवाता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जगह चला जाता है, तो गेम प्ले भी थोड़ा, मतलब गेम प्ले ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इतने से ही जो चीज़ है इतना सा ही जो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यही सब चीज़ें जो मैं शो करवाता हूँ। तो इसको चेकबॉक्स में ऐसे क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ आप शो करवाना चाहते हो आपको सीधा सीधा नीचे अप्लाई करना है। और यहाँ पे बहुत कुछ आप कर सकते हो, जैसे ग्राफ भी शो करवा सकते हो अगर आपको ग्राफ शो करवाना है। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि ग्राफ शो करवाना, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं ग्राफ शो करवाता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे कोर क्लॉक का ग्राफ शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक आप लोग सिर्फ ऐसे लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये पूरा नील हो जाएगा, कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट एंड ग्राफ कर देना है। यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सीधा अप्लाई करके ओके कर देना है। तो वो सारे सेटिंग्स है यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मॉनिटरिंग ऑप्शन के बाद आपको जाना है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे। तो यही जो चीज़ है, ये जो ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ डिसाइड करेगा कि आपके जो बेंचमार्क है वो आप कहाँ शो करवाना चाहते हो, मतलब स्क्रीन के ठीक बीच में ऊपर या फिर नीचे लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर। तो यहाँ से आप वो सब चीज़ जो है ठीक कर सकते हो। तो ऑन स्क्रीन के जाने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है सीधा मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन के जाने के बाद, मतलब मोर ऑप्शन के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसकी देख सकते हो कि स्टार्ट विथ विंडोज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग ऑन करके रखो, मतलब जब भी विंडोज़ स्टार्ट लेगा ये उसके साथ ही ऑन हो जाएगा। उसके बाद शो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे भी आप यस करके रखो, ये अगर ऑफ रहेगा तो आप लोग स्क्रीन पे कुछ देख नहीं पाओगे ऑब्वियसली, तो इसको ऑन करके रखो और ये चीज़ को भी ऑन कर। तो इसके लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना जरूरी है, मतलब ये काफ़ी टाइम जो अपडेट ले लेता है। इसके बाद आपको कोई भी गेम ऑन कर लेना है, मैंने यहाँ पे पबजी लाइट को ओपन किया है, तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस स्क्रीन को आप हटा भी सकते हो चाहे तो, इसके लिए आपको यहाँ से भी कर सकते हो, इस एरो में जाना होगा, इस पे जाना होगा, यहाँ से आप लोग इसको हटा सकते हो। जैसे ये हटा दिया मैंने, ये देखिए बैकग्राउंड चला गया है। और इसको अगर आप लोग बड़ा करना चाहो तो भी कर सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और छोटा भी कर सकते हो। तो मैं इसको पसंद करता हूँ ज़्यादा, काफ़ी अच्छा है ये। उसके साथ साथ मैं इसको ऑन कर देता हूँ डिस्प्ले फिल को, ये काफ़ी हाईलाइटेड है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। एंड यू आर रेडी टू गो, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ भी शो करवा रहा है, 65 तक टेम्परेचर है अभी, जो काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे TDM मैच ले लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। GPU ओवरक्लॉक्ड है, ठीक है, GPU ओवरक्लॉक्ड है 100 और 200।
So guys, thank you very much for watching this video, and if you like the video, please don't forget to hit the like button and please do subscribe my channel because मैं ऐसी videos लाते रहता हूँ. Thank you guys for watching. So इसी के साथ साथ ये वीडियो ख़त्म होता है. अगर आप देखना चाहते हैं फर्दर इस वीडियो को एंड तक तो देख सकते हैं या फिर आप लीव भी कर सकते हैं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. तो देख सकते हैं फ्रेम रेट जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है मुझे ऐसा ही लगता है. स्टिक करना है यहाँ से. तो आप लोगों ने देख ही लगा किस तरीके से.
नहीं ये ले ले, टैक्सी लाने हैं।